अस्सलाम वालेकुम। शुरू से अल्लाह पाक की ज़ात मुबारक के नाम से जो हमारी शहरत से भी ज्यादा करीब और तमाम मुश्किलात को दूर करने वाली ज़ात है। नाज़रीन कराम, ईरान के मज़हबी पेशवा खामनाई साहब ने बड़ा बयान जारी कर दिया है और इस बयान को मैं ऐसे कहूंगा कि बहुत ही अफसोसनाक है। खामनाई साहब ने जो बयान जारी किया उसके मुताबिक, बल्कि मैं सीधी सीधी स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सहूनी दुश्मन के खिलाफ हमने हिकमत अमली के तहत पीछे हटने का फैसला कर लिया है। जी, आपने इस्माइल हानिया को यहाँ पे बुला के जो धोखा किया, और बल्कि मैंने पिछले वीडियोस में आपके साथ जो है वो ये चीज बारहा बार जो है वो कहा था कि ये इनकी जो है वो एक बड़ी जो है वो साजिश थी जिसके तहत इस्माइल हानिया साहब को जो है वो इस तरह से मौत के घाट उतारा गया। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस्माइल हानिया, जैसे पाकिस्तान में एक कैंट एरिया है, तो कैंट एरिया में एक स्पेसिफिक बिल्डिंग में भी कई रूम्स, और वहां पे एक रूम में इस्माइल हानिया साहब जो है वहां पे रह रहे थे और वहां पे उन्हें स्पेशली तौर पे टारगेट किया गया। और फिर ईरान की जानिब से ये जो ऐलान किया गया कि ये जो है वो दुश्मन मुल्क की जानिब से इन्हें निशाना बनाया गया और हम बदला लेंगे। लेकिन अब खामनाई साहब की जानिब से ये ऐलान किया गया कि हम सहूनी दुश्मनों के खिलाफ जो है वो पीछे हटने जा रहे हैं, हम अब जो है वो बदला नहीं लेंगे। इसमें आपने किससे पीछे हटने का ऐलान किया है? क्या जो गजा की शहादतें हैं उनसे पीछे हटने का ऐलान किया है? क्या जो गजा के शहीद बच्चे हैं उनसे पीछे, यानी जो शहादतें, हजारों बच्चों की शहादतें हुई उनसे पीछे हटने का ऐलान किया है? जो गजा की तबाही हुई उससे पीछे हटने का ऐलान किया है? मतलब आपने किस चीज से हटने का ऐलान किया है? जहां पर आप इतनी बड़के मार रहे थे कि हम बदला लेंगे और हम जो है वो बदला लिए बगैर नहीं रहेंगे, हम जो है वो गजा के जो तबाही हुई है उसका बदला लेंगे, और खास तौर पे जो इस्माइल हानिया साहब को वहां पे ईरान में जो है वो निशाना बनाया गया तो उसका हम बदला लेंगे। लेकिन अब आपने जो है वो भागने वाली की है। अब आपने ये ऐलान कर दिया कि जी हम सहयोनी दुश्मनों के खिलाफ नहीं जाएंगे, पीछे हट जाएंगे। तो शुरू से हमें मालूम था कि आपने यही करना है। जो आपने पहले गद्दारी की इस्माइल हानिया साहब को यहाँ पे जो है वो मौत के घाट उतरवा के और उनको जो है वो शहादत मिली, यहाँ पे आपके मुल्क में जो है वो शहादत मिली और दुश्मन कुवतों को आपने मौका दिया और आपने जो है वो उन्हें यहाँ तक इस स्टेज तक ले आया कि इस्माइल हानिया साहब जो कि गजा को एक बड़ी अच्छी तरीके से जो है वो लीड कर रहे थे, आपने उसकी जो है वो जान जोखों में डाली और उनको जो है वो शहीद करवाया। अब आपने जो है वो इस मौके पे आके जहाँ पे जो है वो गजा लावारिस हुआ खड़ा था, तो अब आपने ऐलान कर दिया कि हम सहूनी दुश्मनों के खिलाफ हिकमत अमली, कौन सी हिकमत अमली आप कर रही हैं? मतलब आप गजा की जो शहादतें हैं उन पर पीछे हटने के बारे में जो है वो हिकमत अमली कर रहे हैं? ये कैसी हिकमत अमली है जब आपने सारी तबाही करवा ली उसके बाद आप ये हिकमत अमली जो है वो हमारे सामने रख रहे हैं? बहुत ही अफसोस से कहना पड़ता है कि ये बहुत ही बड़ी गद्दारी है जो कि अब ईरान की पूरी दुनिया के सामने आश्कार हो चुकी है।